I'm gonna. गोपाल गोपाल सर अंजना जी थे सरपंच और विधायक अंचल सिंह दरबार थे। उनके तहत राशि आई थी सामुदायिक भवन के लिए। जब से ये सामुदायिक भवन है और इसका अवैध उपयोग करा जा रहा है स्कूल के लिए और धर्मशाला होने के बावजूद भी इसको हमने इसलिए दे दी थी कि स्कूल एक कम पड़ रहा था। इसके बाद एक स्कूल वहाँ पे बन गया है। ये डबल मंजिल स्टोरी बन गई है पूरी। क्या डबल मंजिल स्टोरी पूरी बढ़ गई है। इसमें अब स्कूल के पर्याप्त जगह हो गई है और जो स्कूल बना के दिया है इनको वहाँ पे मेड़े में जाना पसंद नहीं करती है। जाना इसलिए पसंद नहीं करती है कि इतनी दूर जाए, बच्चे चाय लेके कैसे जाएंगे इनके लिए। हाँ, इनके लिए बच्चियाँ चाय लेके कैसे जाए। इनका जमाने की चीज आती है कि जगह है पूरे मोहल्ले में कहाँ तक कोई जगह नहीं है। दो ही तरफ मकान बने हैं, खाली जगह सिर्फ इसलिए दी गई है कि कोई गाड़ी आती है, ये होता है डबल क्रॉसिंग होने के लिए जगह रखी है। इसमें भी कुछ ये नेता लोग ऐसे लग रहे हैं कि धर्मशाला को कैंसिल करी जाए। इसके लिए मैं जेल तक गया हूँ या इसके लिए मैं जेल गया हूँ कि नहीं, इसके लिए मैंने लड़ाई इतनी करी है कि काफ़ी नहीं। उसके बाद भी मैं इनको मैडमों को 1000 बार समझा चुका हूँ कि आपके पास स्कूल है तो स्कूल का सही साथ उपयोग कर रहे क्यों नहीं रहो, लेकिन ये मानने के लिए राजी नहीं है इस चीज़ को। तो ये बोलते हैं कि मेरे तो सरपंच से लिखा के लाओ। मैडम से लिखा ला को ये सरपंच साहब और मैडम वहाँ से बात क्या करी आपने? सरपंच साहब आए थे, सरपंच साहब इसलिए आए थे कि ये बच्चा खड़ा है। हाँ, बेटा क्या निकला था तेरे थाली में? तंदूरिया थे और पटेल बा को मैंने पटेल बा के सरपंच नाम क्या है उनका पूरा नाम बता। पटेल थे वो और सरपंच थे उनके पास दाल लेके गया तो उन्होंने देखा है। फिर 4 बजे मैडम ने मेरे को मारा भी। मारा भी थे मैडम? क्यों मारा मैडम? बेटा क्यों दाल उनके पास क्यों तू लेके गया था? तो सरपंच साहब क्या बोले आपको? वो बोले कि चल अभी तो चलते हैं। फिर पटेल वाको में लेके आया था। फिर वो बोलते हैं कल फोन लगाया था उनने। हाँ, तो फिर वो सरपंच साहब आए थे कल। हाँ, कुके जी आ तो वो भी आए थे। फिर बात हुई थी। फिर क्या बोलते हो तो बेटा वो दाल का क्या करा फिर? दाल तो हमने फेंक दी थी। दाल फेंक दी थी? सब बच्चों ने फेंकी क्या? हाँ, सबने फेंकी थी। तो आपका नाम क्या बेटा? पासी यादव। कहाँ रहते हो? ये पटेल की दुकान के पास। ठीक है बेटा। मैडम ये आपके सामने इतनी गंदगी हो रही है तो आप लोग कोई देख रहे हैं? अनदेखा क्यों कर रहे हैं? देख रहे हैं, हमने पंचायत को सरपंच को बोल दिया है। सरपंच को बोल दिया हमने। हाँ? और वो उन्होंने लेटर दिया है, लेटर हमारे पास में है और आप वो देख लो कि उन्होंने आदेश दिया हमको कि हम सफाई करवा देंगे। तो मैडम ये बच्चों बोल रहे हैं कि यहाँ पे साफ खाने में सही साठ नहीं यूज हो रहा है, धंधूरे निकल रहे हैं। नहीं तो वो थोड़े बहुत निकल रहे हैं तो हमने तो उस दिन मना कर दिया खाना खाने। और मैडम ये भी सुनने में आया है कि आपके यहाँ पे बच्चे वो नहीं थाली धोते हैं या साफ सफाई नहीं? नहीं, भाई लोग करते हैं ना, बच्चे लोग क्या करते हैं डबल से उनको नहीं है वो लगता है ना तो फिर से वो धो लेते हैं। अच्छा। नहीं तो भाई इन लोग बिल्कुल धोते हैं। नहीं तो मैडम फिर बच्चे डबल से क्यों धोते हैं? एक बार भी अच्छा साफ हो जाए ना, क्या उनको क्या बोल सकते हैं? बच्चों को क्या बोल सकते हैं? मैडम ये जो हेडपम्प है आपके उधर गंदगी है इसका क्या है निराकरण क्या है? हमने तो पंचायत को बोल दिया। और ये मालनगी में जिसे बच्चों ने आते हैं नाली भी नहीं है और रोड भी की बहुत पानी भरा रहता है। सरपंच लोग जाना ना उस दिन वो राजोरा जी भी आए थे। हाँ? और सब बहुत सारे जने आए थे। तो राजोरा जी क्या बोले आपको? उन्होंने बोला व्यवस्था करवाने की नाली की। कितने दिन